मच्छरों के आतंक से खुद को बचाने के लिए मच्छरदानी का उपयोग बहुत ही लाभदायक है। मच्छरदानी यानी मस्क्यूटो नेट, लेकिन समय के साथ उपयोग करते करते ये गंदे हो जाते हैं और देखने में भी ये खराब लगता है। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम मच्छरदानी को किस तरीके से वॉश करें कि वो बेहतर हो जाए और नए जैसा दिखने लगे, उस सारी प्रक्रिया को प्रैक्टिकल समझेंगे। तो चलिए शुरू कर। सो फ्रेंड्स, आप देखिए, ये मस्क्यूटो नेट है जिसको हम लोग मच्छरदानी भी बोलते हैं। एकदम से काला हो गया है, आप देख पा रहे होंगे अगर तो। और इसको हम साफ़ करेंगे। देखने में तो ये थोड़ा सा कॉटन सा लग रहा है नायलोन में। और इसको हम किस तरीके से वॉश करें जिससे ये बैक्टीरिया फ्री भी हो जाए और ये चमकने लगे, तो आइए इस प्रोसेस को शुरू करते हैं। ये थोड़ा सा हमने पानी लिया है जितने में मच्छरदानी इसमें डिप हो जाए, और साफ पानी में तकरीबन आप ये देखिए 2 चम्मच इसमें डिटर्जेंट, कोई भी डिटर्जेंट आप ले लीजिए जो आपके घर में अवेलेबल है, और इसको थोड़ा मिक्स कर दीजिए। और दूसरा जो प्रोडक्ट हमें ज़रूरत पड़ेगी इस मस्कीटो नेट को साफ़ करने के लिए, अगर लॉन्ड्री एंड ड्राई क्लीनिंग प्रोफेशनल की बात करें तो इसके लिए हम यूज करेंगे ब्लीचिंग पाउडर का। अगर आपके पास ब्लीचिंग पाउडर नहीं है तो आप हाइपो ले सकते हैं। हाइपो नहीं है तो आप जो है एक रिन आला मार्केट में मिलता है उसको भी ले सकते हैं। तकरीबन हमने 2 चम्मच के आसपास ये ब्लीच लिया है, क्योंकि इसको फिल्टर करने के लिए किसी जालीदार कपड़े की या किसी ऐसी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, बट ये मस्कीटो नेट है तो इससे बढ़िया क्या उपाय है, तो मैं इसी से इसको फिल्टर कर लूँगा। जैसा आप सबको पता है कि ब्लीचिंग पाउडर, रिन आला या हाइपो जो है सजेस्ट किया जाता है कि रंगीन कपड़ों पे नहीं यूज करना है, लेकिन यहाँ पे आप सोच रहे होंगे कि ये तो रंगीन ही है, इसमें कुछ प्रिंट भी बने हुए हैं, तो यहाँ पे हम ब्लीच को क्यों यूज कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, इसका जवाब ये है कि कुछ कपड़े ऐसे होते हैं जिस पे हम ब्लीच कर सकते हैं या वो ब्लीच फ्री होते हैं, उससे उनका कलर ख़राब नहीं होगा। ये फाइन क्वालिटी का ए ग्रेड ब्लीचिंग पाउडर था तो कोई इसमें गंदगी मिली नहीं है। बस ये 2 चीज़ चाहिए, ये नायलोन या हल्का सा मिक्स कॉटन टाइप में दिख रहा है तो इस पर ब्लीच चल जाएगा, जो इस फील्ड में उनको पता है। बट फिर भी अगर आप कपड़े का मस्कीटो नेट वॉश करना चाहते हैं तो उसके लिए आप ब्लीचिंग अगर नहीं यूज कर रहे हैं, आपको डर लग रहा है, तो वहाँ पर आप अमोनिया यूज कर सकते हैं, उससे कपड़े का कलर ख़राब नहीं होगा। क्योंकि मस्कीटो नेट तरह तरह के आते हैं, कई जगह नायलोन में आते हैं, कई जगह कपड़े में आते हैं, क्योंकि कपड़े वाले नेट में हवा अच्छे से पास नहीं करता है, लेकिन नायलोन का जो होता है उसमें अच्छे से पास कर जाता है। तो आइए अब इसको हम इसमें डिप कर देते हैं। अब देखिए, इसको करना कुछ नहीं है, 10-5 मिनट के लिए आप इसमें डिप रहने दीजिए, और डिप करते ही आपको रिजल्ट मिल जाएगा। देखिए पानी कितना काला हो गया, और बहुत बढ़िया से आपका मस्कीटो नेट साफ़ हो जाएगा। साफ़ ही नहीं होगा, सैनिटाइज हो जाएगा, बैक्टीरिया फ्री हो जाएगा। क्योंकि हमारी आदत होती है मस्कीटो में, जैसे ही मच्छरदानी पर बैठते हैं तो हमें इरिटेशन होती है, और जोश की वजह से हम उसको वहीं पे मार देते हैं, और समटाइम मस्कीटो नेट पे ब्लड के स्पॉट दिख जाते हैं, जो मच्छर मरते हैं तो उनके स्पॉट उस पर लग जाते हैं। और चूँकि ये रोज़ रोज़ साफ़ नहीं होता है और इस वजह से गंदगी रहती है, देखने में भी ख़राब लगता है और हाइजीन भी नहीं लगता। अब ये हमने इसमें डिप कर दिया है, तकरीबन हम इसको 10 मिनट तक रखेंगे, और 10 मिनट के बाद जो नॉर्मल प्रक्रिया होता है खंगालने का, उसको खंगाल लेंगे। तो इसको हम सोक करेंगे 10-5 मिनट के लिए, या इसको हम देखते रहेंगे कैसे इसमें साफ़ हो गया तो निकाल देंगे। बहुत चूँकि बहुत महीन होता है तो बहुत ज़्यादा देर तक इसमें नहीं रखना है, और ज़्यादा ब्लीच का यूज़ नहीं करना है। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, थोड़ा सा डिटर्जेंट पाउडर कोई भी ले लीजिए, नायलोन या व्हाइट आपका मस्कीटो नेट है तो ब्लीच यूज़ कर सकते हैं, ब्लीच नहीं है तो हाइपो यूज़ करिए, हाइपो नहीं है तो मार्केट में जो रिन आला है उसको आप यूज़ कर सकते हैं। रंगीन अगर मस्कीटो नेट है तो ब्लीच, हाइपो, आला की जगह पे आप अमोनिया लिक्विड यूज कर सकते हैं। इसको जैसे नॉर्मल प्रक्रिया में बकेट नहीं से मत निकालिए, इसमें ऐसे इसको थोड़ा सा इधर उधर कर दीजिए, ये साफ़ हो जाएगा। और ध्यान रखें आपको ब्रश नहीं लगाना है, और ऐसी जगह पे आपको नहीं वॉश करना है जहाँ कुछ नुकीली चीज़ निकली हो, क्योंकि इससे ये फट जाएगा, और एक बार फट जाएगा तो मच्छर आक्रमण आपके ऊपर करेंगे ही। आप देखिए कितना अच्छे से साफ हो गया है बिना किसी मेहनत के। देखें
सारा कालापन इसमें निकल गया है क्योंकि इस पर डस्ट बैठा होता है। और देखिए कपड़े का ये नेट का कलर भी ख़राब नहीं हुआ है। तो उम्मीद कर रहा हूँ इस प्रोसेस को आप समझ गए होंगे। इसको करना कुछ नहीं है, अब इसको जाके थोड़ा सा ऐसे मूवमेंट हम इसमें कर देंगे एक दो मिनट के लिए। उसके बाद साफ़ पानी से एक दो बार खंगाल देंगे। आपके पास हाइड्रो मशीन है तो आप इसको हाइड्रो कर दीजिए और धूप में सुखा दीजिए। अगर ब्लीच की महक आपको निकालनी है जल्दी, लेकिन सूखने से ही निकल जाता है, लेकिन आप चाहें तो एसिटिक एसिड भी इसको कर सकते हैं प्योर कॉटन है तो। अगर कॉटन नहीं है तो फिर किसी चीज़ को करने की ज़रूरत नहीं है। धूप में सूखने के बाद से इसके ब्लीच का जो महक है अपने आप निकल जाता है, या एक दो बार आप खंगा लेंगे तो भी निकल जाएगा। अब इसका ये नॉर्मल पानी था मग्गे में, अब देखिए मैं इस पानी को आपको दिखा रहा हूँ। अब देखिए ये पानी कितना गंदा हो गया। तो ये रहा मस्कीटो नेट वाश करने का प्रक्रिया। विलेज एटमॉस्फेयर में मच्छर ज़्यादा होते हैं और ये सबसे सेफेस्ट तरीका है मच्छरदानी मच्छरों से बचने के लिए। तो मस्कीटो नेट को वाश करिए और हाइजीन फ्री करने के लिए इस प्रक्रिया को अपनाइए। आप लोगों ने पूरी प्रक्रिया समझ लिया होगा और उसी दौरान ये मच्छरदानी देखिए सूख भी गई है और इसकी क्वालिटी देखिए, रंग कोई भी ख़राब नहीं हुआ है और जितनी भी गंदगी थी सारे निकल गए हैं। और ये नीचे का जो जिसको हम बेड में इन करते हैं वो भी देखिए कितना क्लीन हो गया है, लग ही नहीं रहा है कि ये काफ़ी दिनों से यूज किया गया था। तो रिजल्ट आपके सामने है। इसी तरीके से आप मच्छरदानी को वॉश करिए और अपनी नींद की गहराई को बढ़ाइए। मिलते हैं अगली वीडियो में। इस वीडियो को आपने पूरा देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार। आप इस चैनल को आर्थिक रूप से सहयोग करना चाहते हैं तो दिए गए QR कोड या UPI ID पर कोई भी छोटी या अपनी इच्छा अनुसार राशि भेज सकते हैं और हमें सपोर्ट कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।